नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली में सबसे पहले अपना आंख का चेकअप कराए, इसके बाद कल राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई। 3 बजे माननीय मुलायम सिंह जी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें श्री लालू जी, श्री शरद जी और श्री राम गोपाल जी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और वहाँ के बाद फिर हम शरद जी को उनके आवास पर छोड़ करके हवाई अड्डा चले गए और वापसी प्लेन से चलकर यहाँ चले आए। अच्छी बात हुई, बहुत तरह की बात हुई, कोई आपकी रुचि का उसमें कुछ खास नहीं है। बातचीत को अरेंजमेंट के साथ तो हम नहीं जोड़ते हैं, आपके प्रश्न का अर्थ भी हो सकता है नहीं समझे हों। अभी तो कल 2 पार्टी के 3-3 लोग बैठेंगे और सीट वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि कल तो राम गोपाल जी ने इस सिलसिले में जो भी था वो जानकारी दे दी है और यही बात थी, इसके अलावे तो कोई बात नहीं। बात बिल्कुल ठीक ठाक है और करेंगे। दोनों पार्टी को 3-3 लोगों को नॉमिनेट कर देना है तो आपस में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अब आपस में मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। नहीं, हम लोगों का तो पहले से निर्णय मर्जर तक का है निर्णय, और ये निर्णय काफी पहले हो चुका है। अब इस बीच में जब कल एक बैठक हुई है उसमें यही तय हुआ है और सीट के लिए लोग बातचीत करेंगे आपस में, तो कल तो यही बात हुई है, कोई इसके अलावे तो कोई बात हुई नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो शामिल ही है। आज की तारीख में JDU की सरकार का समर्थन RJD, कांग्रेस पार्टी और CPI कर रही है। तो आज की स्थिति में, और फिर आप जानते हैं कि बाई इलेक्शंस हुए थे 10 स्थान पर पिछले साल, तो उसमें JDU, RJD और कांग्रेस के बीच में तालमेल था, इसलिए आगे के तालमेल में तो कांग्रेस पार्टी शामिल है ही। सर, कल लालू जी के साथ जब बैठक हुई मुलायम सिंह के आवास पे, तो सीएम उम्मीदवारी को लेकर चर्चा हुई क्या? ये सब तो जो बयान देते हैं वही सब बात बतावेंगे आपको। JDU और कांग्रेस आपको नेता मान चुके हैं, तो RJD क्यों कांग्रेस से खतरा है? नहीं नहीं, ये कोई प्रश्न मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए तो पोस्टर लगाने वाले को ना पकड़िएगा कि हम ही को धर रहे हैं। नहीं, बातचीत जो हो रही है और जिस बात के लिए सहमति है वो तो आपसी एकता के लिए सहमति है। बिखराव के लिए तो सहमति अभी नहीं है, अभी तो एकता के लिए सहमति है। जी, JDU कोई स्टैंड बैक प्लान लेके चल रही है अकेली लड़ने के लिए?
मैंने स्टैंड बाई प्लान से आपका क्या मतलब? अभी जो बातचीत, अभी तो बातचीत हो रही है, अभी तो बातचीत हो रही है। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि ड्राउट आने वाला है, कंटिजेंसी प्लान है या नहीं। नहीं, कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको ज्यादा मालूम रहता है। तो चूंकि हमको तो आना ही था ना, आज तो सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का दिन है। ये तो नियमित तौर पर हम करते हैं, निश्चित तौर पर करते हैं। इसलिए मेरे लिए तो कल शाम में वो पटना आने के लिए अंतिम फ्लाइट था, तो उससे तो आना ही था ना, इसलिए तो हम तो आ गए। जो बात होनी थी हो गई, लेकिन अगर किसी बातचीत में हम नहीं हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो आपस में बात करते रहते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, लेकिन आरजेडी को इस बात पे आपत्ति है कि बिना आपने उससे पूछे ये फैसला लिया। नहीं नहीं, कोई आपको ये गलत फहमी या मुझको लगता है कि गलत जानकारी। लालू जी का बहुत पहले ही ऐलान है कि व्यापक मोर्चा बनाएंगे, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब एनसीपी, वो तो पहले से बोले हुए। इसलिए मुझको नहीं लगता है कि, और ऐसी कोई बात होती तो हम लोगों के मीटिंग में वो बात सामने आती। फिर आपने देखा होगा कि शरद जी अभी पिछले दिनों थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का नाम लिया। इसलिए वो मेरे ख्याल से इस पर किसी भी प्रकार की कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के किसी अरेंजमेंट में रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। और आप लोगों ने पिछले सोमवार को यह प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा था कि इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी तो है ही। आज ही सब बात कर लीजिएगा। एक सवाल ये कि आपने प्रशांत किशोर जी को मोदी टीम से तोड़ के रखा, अपने कंपेनिंग टीम में शामिल किया है, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? नहीं नहीं, हमने किसी को तोड़ा नहीं है, ये चीजें स्वेच्छा की बात होती हैं। प्रशांत किशोर जी से हमारी बातचीत 6-7 महीना पहले हुई थी, वे मिले थे, और उनको ये लगा कि हम लोगों का जो कॉज है इसके साथ काम करना चाहिए, तो वो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई तोड़ने जैसी बात नहीं, ये स्वेच्छा से और इच्छा से। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के रहने वाले हैं, उनके प्रति दिलचस्पी जरूर थी हमारी कि बिहार का रहने वाला व्यक्ति गुजरात में बैठ करके इतना काम कर रहा है, तो सुनते रहते थे। इसलिए जब मुलाकात हुई तो ऐसी बात हो गई कि वे हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और पूरे मनोयोग से काम करेंगे। हाँ, अभी तो उसकी प्रारंभिक तैयारी चल रही है। क्या राहुल गांधी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अलायंस शेपअप करेगा, आपकी मुलाकात में लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होने वाली है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के नीतियों को, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल लाइन को वो डिसाइड करने में उनकी अहम भूमिका है। तो कांग्रेस पार्टी देश की एक सबसे पुरानी पार्टी है, तो उस पार्टी के नेतृत्व की भूमिका में श्री राहुल गांधी जी आज देश के सामने उभर कर आए हुए हैं। इसलिए उनकी अपनी अपना नहीं, मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, इसके पहले भी मुलाकात थी। प्लीज फिर से। आपका और गांधी का
नहीं, हमारे पार्टी के लोगों की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले के अध्यक्ष हैं, जो हमारे पार्टी के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, कैंडिडेट पहले रहे हैं, हमारी राजनीतिक सलाहकार समिति स्टेट लेवल, उसके मेंबर जिले के जो साथी हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अगर कोई मेंबर हैं, और फिर जितने ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं और जितने हमारे सेल हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके जिला के अध्यक्ष हैं, ये सब को अलग अलग जिले से सब लोग आ रहे हैं। 9 जिले के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और 2 जगह खुद पार्टी के अध्यक्ष गए हैं और 2-3 जगहों पर लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष और अभियान समिति के जो हेड हैं वो गए हैं, और बाकी जितने जिले बचते हैं उन सब लोगों का समूहों में या तो कमिश्नरी लेवल पर या कुछ जिलों के समूहों के साथ बैठक प्रस्तावित है, चल रही है बैठक, इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारे पार्टी के साथियों में, कार्डर्स में, रैंक एंड फाइल में मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन बचेगा, और हमारा ये सिलसिला 17 जून तक चलने वाला है। इसके बाद 18 जून को हमारे किसान प्रकोष्ठ का सम्मेलन है, फिर यूथ का सम्मेलन है, और पूरे बिहार में ये जो फिर से ऑर्डिनेंस लाया गया है भूमि अधिग्रहण के लिए, तो एक पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर हम लोगों की पार्टी की तरफ से भूमि बचाओ धरना दिया जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम हम लोगों का तय है, और चुनाव के दृष्टिकोण से, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से हमारे जिला स्तर के साथियों के साथ हमारा इंटरैक्शन पार्टी का 17 जून तक पूरा हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या रहेगा। दूसरी पार्टी के बारे में कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, हम तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख में तो हम अधिक से अधिक अपने बिहाफ पर या अपने पार्टी के बिहाफ पर बोल सकते हैं। 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है विधान परिषद चुनाव को लेकर, क्या मतलब गठबंधन का फैसला लेगा तो 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, विधान परिषद के मामले में बातचीत कई बार हो चुकी है, उसमें कोई नई बातचीत करने की शायद आवश्यकता न पड़े, लेकिन इसके लिए हम लोगों की पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई अधिकृत हैं और प्राधिकृत हैं, वो एम्पावर्ड भी, तो उन्होंने बातचीत की है जेडीयू के, आरजेडी के नेताओं के साथ उनकी कई राउंड की चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के साथ चर्चा हो गई है, पहले सीपीआई के साथ भी चर्चा हुई थी लेकिन वो बात बनी नहीं, उन्होंने एक वाम मोर्चा बनाकर एक अलग विधान परिषद के चुनाव में लड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादा बातचीत करने की के लिए कोई ज़्यादा उसमें वक्त की आवश्यकता नहीं है, जो भी उसका फलाफल होगा वशिष्ठ भाई उसके बारे में जानकारी दे देंगे। जब हमने शब्द का प्रयोग किया कि न सिर्फ ऑथोराइज्ड है हम लोगों की तरफ से, वो एम्पावर्ड है, प्राधिकृत है, तो बोलेंगे वही ना। नहीं, मेरे ख्याल से ऑल कंसर्न को सारी बातें मालूम है, कोई समय नहीं लग रहा। वह वशिष्ठ भाई इसके बारे में आपको फाइनली जो कुछ भी होगा उसकी जानकारी देंगे। नहीं, सब चीज को मिक्स मत करिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यहाँ पर कर रहे थे जनता परिवार के उस विलय को लेकर, यहाँ पर बात करते हुए कि फिलहाल तो जो है वो एकता के लिए सहमति हो रही है, बिखराव के लिए किसी तरह की कोई सहमति नहीं है। वहीं बिहार में गठबंधन को लेकर जब ये बात हुई कि सीट्स बंटवारे को लेकर क्या कोई यहाँ पर स्थिति साफ हो पाई है, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सीट के बंटवारे पर बातचीत चल रही है और एक बार फिर कल वो इसके लिए बैठे